हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 1.5 जो के है सिग्निफिकेंट फिगर्स पर। ठीक है जी। जो बच्चों फिगर होता है ना वर्ड, इसका मतलब होता है नंबर, अदादो शुमार। ठीक है। और जो सिग्निफिकेंट है ना, इसका मतलब है अहम, इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट नंबर्स कौन से होते हैं ये जरा देखते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं 1000, 1000। क्या अगर इस तीन जीरोज में से मैं एक जीरो उड़ा दूं, ये ना समझना मैं थ्री इडियट वाला वो सीन कर रहा हूं, प्रिंसिपल वाला, वैसे बता रहा हूं, एक जीरो उड़ा दूं तो ये हजार से सौ बन जाता है। अगर एक इसी के अंदर एक जीरो और लगा दूं तो ये कितना हो जाता है, ये 10,000 हो जाता है। सैलरी सुलरी नहीं मैं बता रहा किसी की, थ्री डेढ़ कितना समझना इसको भी है। लेकिन आप कहते सर इधर जीरो ऐड यानी कि जीरो के इजाफे से या कमी से वैल्यू कम ज्यादा हो रही है और हकीकत में उसका असर पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं जीरो इधर लगाऊं, आपको कहते सर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब मैं एक जीरो और लगाता हूं, आपको कहते सर अब भी खास नहीं फर्क पड़ा। तो इनमें जो नंबर्स जिनके कमी या ज्यादती से चीज पर फर्क पड़ता है, उन नंबर्स को हम इधर सिग्निफिकेंट फिगर्स कह लेते हैं कुछ देर के लिए। मींस के जो नंबर्स इधर हैं या जो अदादो शुमार ये लिखे हुए हैं, इनमें ये नंबर्स अहम है और ये नंबर हमारे लिए या ये फिगर्स हमारे लिए अहम नहीं है, ये कहलाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम चलते हैं फिजिक्स में, फिजिक्स में इनका क्या काम है वो चेक करते हैं जरा। लो भाई, अब मैं स्टार्टिंग लेता हूँ फिजिक्स के अंदर कि हमारी जो फिजिक्स है ना, ये एक्सपेरिमेंटल साइंस है, इसके अंदर एक्सपेरिमेंट होने हैं। एक्सपेरिमेंट कब सक्सेसफुल होगा, जब आपकी मेजरमेंट बड़ी दाना होगी, बेहतरीन मेजरमेंट होगी। और मेजरमेंट बेहतरीन करने के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट अच्छा होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट किस हद तक चीज़ को मेजर करता है, ये चीज़ भी बड़ी मायने रखती है इसके अंदर। तो अब ज़रा हम उसे देखते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उनकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, वो उससे आगे मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बाजार गया, या उस दिन मैंने आपको अनसर्टेनिटी वाले में भी थोड़ा सा बताया था, मैंने कहा यार क्लाक एक ऐसा काम कर, तू एक सेकंड मेजर करता है, तू आधा सेकंड मेजर कर, कहता है सर कर नहीं सकता मेरी लिमिट ख़त्म है। सेम बाज़ार गए, आप बाज़ार जाते हो, आप कहते हो यार एक किलो आलू दे दो। अब वो बेचारा, उसको पता है यार एक किलो तो लोग ले ही लेंगे, उसके पास आधा किलो वाला भट्टा नहीं है। ठीक है। अब उसको आपने कह दिया यार मुझे एक किलो नहीं चाहिए, मुझे आधा किलो आलू चाहिए। ठीक है। अब वो आधा किलो आलू कैसे करेगा जैसे, उसके पास भट्टा नहीं है, वो आपको तुक्के से दे देगा। उसके सर ये ना आधा किलो हो गया, बस आप ले जाओ, हमें आधा किलो के पैसे दे दो आप। आपको ठीक है, आप ले आओगे, मजे से सस्ते पड़ गए। लेकिन उसके पास मेजरमेंट नहीं सही हुई। तो यही चीज़ हम इधर भी देखेंगे कि क्या इधर मेजरमेंट इफेक्ट होती है हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। चलो जी, अब बुक ने ना लेंथ की एग्जाम्पल ली, मैं लेंथ की एग्जाम्पल भी लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं इधर एग्जाम्पल लूंगा मैथ्स के लिहाज से। ठीक है। एक और चीज़ हमने पहले भी डिस्कस किया मैथ्स के एग्जाम्पल में, उसको दोबारा डिस्कस करूंगा। और दूसरी चीज़ इधर, अगर वीडियो आपको लग रहा है बहुत लेंथी है, बहुत घंटे की वीडियो बन गई है या ज़्यादा लेंथी वीडियो बन गई है, तो यूट्यूब ने आपके आसाने के लिए अगर बेहतरीन ऑप्शन दिया हुआ है, सेटिंग में जाएँ, उधर स्पीड को 1.25 कर दें, स्पीड तेज़ हो जाएगी, वीडियो छोटी लगेगी, या 1.15 कर दें, लेक्चर भी समझ आएगा, टाइम भी बचेगा और इंजॉय भी करोगे एकदम मस्त। लो जी, मैंने ना आप में से एक बच्चे को कहा, मैंने कहा जा यार एक काम कर, एक किलो चीनी तो पकड़ के ला। उसने कहा सर लो सर एक किलो चीनी है। वो बाजार गया किसी रेडी वाले के पास या किसी परचून की दुकान पे, एक किलो चीनी तो ले आया। मैंने कहा अच्छा यार मुझे बता ये एक किलो है। उसने कहा सर एक किलो है, बंदे ने मेरे सामने तो लिया, मैंने पूरे एक किलो के पैसे दिए, कोई डंडी शंडी नहीं मारी किसी ने। मैंने कहा लो जी बच्चा तो बड़ा सही गल कर रहा है, ये एक किलो चीनी आ गई। अब उसने एक किलो चीनी को ना, मैंने कहा यार मुझे लग रही है ये चीनी कहीं गड़बड़ है, ज़्यादा या कम है। उसने कहा कैसे, मैंने एक किलो चीनी को पकड़ा। अब मुझे पता था कि मैंने फिजिक्स पढ़ी और मुझे पता कि ये जो एक के जी है ये असल में 1000 ग्राम्स है। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने उस बंदे ने तो बीम बैलेंस पे तोला, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा यार इसको ना बेकरी पे लेके जाता हूँ। जब मैं बेकरी पे लेके गया तो ये एक किलो चीनी असल में थी नहीं एक किलो, ये थी 1100 ग्राम्स। अब जब इसको उधर देखा गया तो उधर ये आंसर आ रहा था 1.1 kg, तो मींस 100 ग्राम्स एक्स्ट्रा थी। फिर मैंने इसे क्या किया, मैंने कहा यार इसको ऐसे लेके चलता है सुनारे के पास, मैंने कहा एक किलो इसमें अलग कर लेते हैं और बाकी वैल्यू को देखते हैं कितनी बनती है। जब उसने बाकी वैल्यू देखी तो एक किलो अलग हो गया 1000, पीछे कितना था
हमारे पास 100, लेकिन असल में वो 100 नहीं था, वो था 150। तो टोटल ये कितनी होगी, 1.15 kg, इतने ग्राम बन गया ना टोटल। तो इतनी, तो मैंने कहा यार तू तो 1 किलो लाया था, ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। उसने कहा सर आप जो इंस्ट्रूमेंट या जो चीज़ यूज़ कर रहे हो उसकी लिमिट काफ़ी हद तक वो आगे तक बता सकता है वैल्यू। अब ये वाला जो तुक्का है, ये वाला, इसके लिए तो उससे लग रहा था 1 किलो है, तो उसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट है, उसके आगे की वैल्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब मैं तोल के लाया तो मुझे पता था ये मुझे चाहिए 1 किलो, ये है 1.1 kg, तो मुझे ये तो पता है ये 1 kg तो पक्की बात है। लेकिन ये जो 1 है ये कन्फर्म नहीं है, ये 1 है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगले इंस्ट्रूमेंट में गया तो उधर जाकर ये चीज़ तो पता लगी कि भाई ये एक भी 1 किलो है, 0.1 100 ग्राम एक्स्ट्रा भी है, प्लस ये 50 ग्राम है, 60 ग्राम है, 40 ग्राम है, इस पर डाउट था। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, जो चीज़ें कन्फर्म आपको पता लग रही हैं वो अहम है, जो नहीं है जिसके ऊपर भी डाउट है वो भी अहम है, क्योंकि वो हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ये वाले चीज़, ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को भी मैं क्या कहूँगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आ जाओ बुक की एग्जाम्पल पे, बुक की कहानी है लेंथ पे, तो मैं लेंथ पे इसी एग्जाम्पल को दोबारा एडजस्ट करता हूँ। मैं लेंथ पे कहूँगा, मैं कहूँगा भाई बच्चा लो, मैंने एक मेजरमेंट की, बुक ने ना, आपकी बुक ने, भाई साहब बुक ने जो मेजरमेंट लिया ना, मैं उसी के मुताबिक चलने की कोशिश करूंगा। अगर ना चला तो आप उसको रिसेंबल कर सकते हो, उसके साथ देख सकते हो कि यार एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा, कोई मसला नहीं। सर को सर भूल जाते हैं, ऐसे कह लेना। अच्छा मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक मेरिंग रॉड है, और उस रॉड के ऊपर यहाँ पर वैल्यू है जी 3, और यहाँ पर है जी 4, और ये मेरिंग रॉड सेंटीमीटर में है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 है और ये 4 सेंटीमीटर है। आपने मेजर करनी है कोई भी लेंथ, कोई भी फुटे की लेंथ मेजर कर लो, इस डस्टर की कर लो, मोबाइल की कर लो, किसी भी चीज़ की कर लो, इस पॉइंटर की कर लो। आपने जब मेजर की तो वो लेवल 0 से शुरू हुआ, आपने 0 पे रखा, और 0 से वो वैल्यू, वो स्केल यहाँ तक आया। अब आपने कहा, अब आप मुझे बता नहीं सकते, आपने कहा सर ये जो है ना ये 3 और 4 के दरमियान में है, लेकिन जो मेरा फुट्टा है या मेरा स्केल है वो तो 3 मेजर करेगा या 4 करेगा या 5 करेगा, इसके दरमियान का उसे पता ही नहीं है स्केल को, ना ही किसी ने उसे बताया कि इसके दरमियान भी वैल्यू होती है। मैंने कहा अच्छा अच्छा तो फिर उसने कहा सर जी आप 3 ले लो, या ये कर लो कि अगर तो ये इसके मिड लाइन को, सेंटर को, इसके हाफ को क्रॉस कर जाता है तो हम इसे 4 कह लेंगे, किसी को क्या पता, और अगर इसे पीछे है तो 3 ले लेते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो 3 ले लेते हैं। उसने कहा सर आप ऐसे भी कह सकते हो कि आप इसे सपोज कर लो कि ये 3 है पॉइंट, आगे की कुछ ना कुछ वैल्यू ले लो। मैंने कहा क्या वैल्यू लूं? उसने कहा सर आगे की वैल्यू लेट्स सपोज आप 4 ले लो। मैंने कहा चलो 4 ले लेते हैं। अब मुझे एक चीज कंफर्म थी, क्या? उसने कहा सर 3 तो कंफर्म है, 3 तो है ही है, आगे की वैल्यू पे ना थोड़ा सा शक को शुभ है, वो 4 भी थी, 3 भी थी, 5 भी थी। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा सर ऐसे करते हैं, ये मीटर रोड है ये बड़े वाला, इसके ऊपर सेंटीमीटर्स में हम ऐसे एक ऐसा लेते हैं जिसके अंदर ना 1 सेंटीमीटर के 10 टुकड़े हो। मैंने कहा फिर, कहता सर हम उसको ना जूम करते हैं, तो अभी ये 3.4 थी, अब मैं क्या करता हूँ मैं इसी को ज़रा जूम करता हूँ। लो जी इसको जब जूम किया तो इस मेरे इस डिवाइस ने क्या किया, इसने 3 और 4 सेंटीमीटर के दरमियान में 10 लाइन्स क्रिएट कर दी। लो जी मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा हो गया। अब मुझे ये समझ आ रही है कि ये 3.1 है, ये 3.3 है, ये 3.567 है, और आगे फिर इसी तरह। ठीक है, ये मैंने रैंडम लिखे। तो अब मुझे ये समझ आ गया कि भाई ये जो मेजरमेंट थी, ये मेजरमेंट यहाँ से चल रही थी, यहाँ पर आके रुक रही थी। अगर तो ये रुकी इस जगह, यहाँ से मतलब 0 से लेके इस जगह, तो मैं कहूँगा यार ये वैल्यू जो है ये है 3.4, और अगर ये रुकी इस जगह तो मैं कहूँगा ये वैल्यू है 3.5। अब इसमें ना 3 कन्फर्म है, आगे वाली वैल्यू अगर तो एग्जैक्ट उस पर रुकी तो कन्फर्म है, अगर नहीं रुकी तो डाउट है। मैंने कहा डाउट कैसा? सुनगा सर ये भी तो हो सकता है कि ये मेजरमेंट आपकी इधर आकर रुक जाए, अब इसके लिए क्या जुगाड़ लगाना पड़ेगा? उसने कहा सर इसके लिए तो आपको कोई डिवाइस चाहिए जो आपको बताए, लेकिन इसका एक और जुगाड़ भी है। वो और जुगाड़ क्या है? उसने कहा सर अगर तो मिडल लाइन को क्रॉस कर रही है तो 3.5 पकड़ लो, अगर इससे पीछे है तो 3.4 पकड़ लो। मैंने कहा यार इसे छोड़, मुझे अब कन्फ्यूजन ना क्रिएट कर, मैं डिवाइस ले आता हूँ। मैं गया लैब में, भागा भागा लैब से लाया एक डिवाइस बेहतरीन, उस डिवाइस का नाम था इसने 10 पार्ट किए
उसने एक सेंटीमीटर के 100 पार्ट कर दिया। 100 पार्ट का मतलब है कि यहां से यहां तक 10 पार्ट है, तो हर पार्ट के कितने आगे टुकड़े कर देगी वो 10 10। तो इसका मतलब है 3.4 को इधर इसको जूम कर दिया उसने। कितना जूम कर दिया उसने, कहा सर ये मैं बना दूंगी 3.4, ये बना दूंगी 3.5। इसको सिर्फ इतने टुकड़े को जूम कर रहे हैं वो इस चीज को, ठीक है, इस चीज का से जूम कर रहा है। कितना जूम कर रहा है ये चेक करो, सेंटर में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसको कर लेना, देख लेना, 5 इधर आ गया और ये इधर आ गया, 7 6 7 8 9, सॉरी ये नहीं आएगा। अच्छा तो ये वाली आ गई। उसने कहा सर ये 3.4 कन्फर्म बता रही है कि यहाँ पर, अगर तो आपका वो जो मेरिंग डिवाइस जो था ये, लेट्स सपोज इसे ग्रीन से बना लेते हैं, ये है, ये इधर से इधर चल के आ रहा है, ठीक है। तो अगर तो ये सर इसको क्रॉस कर गया तो 3.4 तो कन्फर्म हो गया। आगे की चीज़ क्या है, अब ये जो वैल्यू है ये 3.41 है, ये 3.43 है, ये 3.45 है। उसने कहा सर अगर तो ये वैल्यू रुक रही है इस पे तो ये 3.43 है, और अगर ये रुक रही है इस पे तो 3.44 है, लेकिन अगर इनके दरमियान में फिर एडजस्टमेंट होगी तो क्या करेंगे, इस जगह कहीं अगर ये आ रही है इस जगह लेट्स सपोज, तो क्या करेंगे। उसने कहा सर अगर तो मिडिल लाइन का वही जुगाड़, मिडिल लाइन का क्रॉस करके तो अगली पिछली, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा कि आखिरी वाले पे हमें थोड़ा शक है, या तो ये थी या ये थी, कन्फर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें ये कन्फर्म होगा कि 3.4 तो रीडिंग है ही है। इसके लिए मैंने कहा एक और डिवाइस लाता हूँ, मैं फिर गया भागा भागा लैब से एक चीज़ लेके आया, उस चीज़ का नाम है स्क्रू गेज, वो हम आगे भी देखेंगे। उसने क्या किया, उसने 1 सेंटीमीटर के 1000 पार्ट, 100 से 1000, कैसे 10 पार्ट इसके आगे पार्ट्स के फिर 10 पार्ट, तो ये मीन 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9, लो जी ये आ गई, ठीक है जी। अब इसके मुताबिक क्या हुआ कि मेजरमेंट आकर रुक रही है लेट्स सपोज इस जगह पर, तो हमें ये पता लग गया कि ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू है 3.43 और ये वैल्यू है 3.44, तो ये तो पता लग गया 3.43 है। आगे की वैल्यू पे शक्को शुबा है, क्या शक्को शुबा है। उसने कहा सर ये जो वैल्यूज आगे चलती आ रही हैं, इन वैल्यूज में ये वाली वैल्यू होगी 3.431 और 2, ये वैल्यू होगी 3.435। तो उसने कहा सर अगर तो इधर रुक रही है तो होगी 3.436, और अगर इनके दरमियान में है तो शक्को शुबा है। इसका मतलब है आखिरी वैल्यू पे हमेशा आपको कुछ ना कुछ डाउट रहता है, इंस्ट्रूमेंट इंप्रूव होने से उससे आगे एक और वैल्यू क्रिएट होती है लेकिन उस पर भी क्या रहता है डाउट। इसका मतलब है पहला हिस्सा तो फुल वो कन्फर्म है, अगला जो डाउट है उस पर डाउट है, उससे अगले पे तो बहुत ज़्यादा डाउट होगा। इसका मतलब है कि हम एक पॉइंट तक जो तुक्का लगाते हैं वो, और जो पहले वाला हिस्सा है, ये सारे मिलकर जो नंबर्स देंगे वो कहलाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। हर किस्म की मैयर की गई ऑल एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स, इसमें जो अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, ऑल एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। लो भाई ये डिजिट्स आएगा, सारे जो जाने जो डिजिट्स जो हमें पता है एग्जैक्ट कि ये तो है ही है, वो वाले कहलाएंगे। प्लस उसके अंदर एक और कौन सा, जो पहला डिजिट जिस पर हमें शक्को शुबा होगी वो, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये तो समझ आ गई सर, ये तो पक्का पक्का हो गया कि मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे इनका। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि अगर हमें कोई बंदा इंस्ट्रूमेंट दे ही ना और हमें कहे कि यार ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जैसे 3.43, 5.67, 96.8, 37.56.8, तो इनका, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जमा करते हैं या क्या करते हैं, तो फिर इनकी जो आंसर्स होंगे वो क्या, वो कैसे पता लगेंगे कि उसमें कितने नंबर लिखने हैं। जैसे कि ये हम सारी कहानी लेंथ पे चला रहे हैं, उसने कहा सर लेंथ की तो समझ आ गई। लेट्स सपोज कि कोई बंदा है, उसने कोई मेजरमेंट की, ये उसमें मैस है, ये उसमें टाइम है,
ये उसमें लेंथ है, ये उसमें टेम्परेचर है, ठीक है। तो इनको मिक्स करके कोई फार्मूला बन रहा है, कोई कैलकुलेशन बन रही है, उसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी वैल्यू के डिजिट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है या उसके आंसर को कैसे लिखना है। उसके लिए फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं हमारे पास। बेसिकली यहाँ पर चार रूल्स हैं हमारी बुक में लिखे हुए। सबसे पहला रूल, मेन रूल आ जाता है, फिर जीरोस के कुछ रूल हैं कि जीरो होगा या नहीं होगा, यानी कि जीरो पर रिस्क है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तीसरा, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या रूल है, और लास्ट वन कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन पर भी क्या रूल होगा। फिर इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट है, तीन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, राउंडिंग ऑफ का रूल। राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या हैं कि जब हमने अगली वैल्यू, जो एक्स्ट्रा वैल्यू जो हमें चाहिए ही नहीं, या जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है हमारे मतलब की है ही नहीं, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, हम उसे उड़ा सकते हैं रूल्स के मुताबिक, तो उस वैल्यू को उड़ाना किस तरह है, मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे पकड़ के काट देना, नहीं, उसके ऊपर कुछ रूल्स हैं, उनके उड़ाने के तरीके कार हैं, वो भी देख लें, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले रूल से, वाइट बोर्ड इरेज कर लें। तो पहले रूल की जानिब हम रवा दवा हैं। लो जी, पहला रूल इधर मैं लिखूंगा, ये जी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर का पहला रूल है, इसको मैं ए बी सी डी के सेंस में लिखता हूं। लेट्स सपोज पहला है जी, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या बात है, उसने कहा सर ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, उसने कहा सर 1 लाख 1.5 लाख 2 करोड़। मैंने कहा नहीं भाई, डिजिट्स टोटल होते हैं कितने हैं, 10 होते हैं जी 10 कैसे होते हैं, 0 से शुरू होते हैं और 9 पे एंड होते हैं, लेकिन हमें कौन से चाहिए, ओ भाई हमें नॉन जीरो चाहिए, नॉन जीरो कौन से होंगे, 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9, बस कितने बने, ये 9 डिजिट्स बने। इन डिजिट से लिखी गई कोई भी वैल्यू वो हमारे पास क्या होगी, उसके अंदर जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। लिखते हैं जी कोई वैल्यू, कोई बताओ यार, मैं लिख देता हूँ, लेट्स सपोज 3.43 5.67 784 380 697, ठीक है, या 0. चलो पॉइंट जीरो वाले बाद में देखते हैं। तो ये वाली वैल्यू के मुताबिक इनमें कोई भी जीरो वाला नहीं है, और ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ये सारे डिजिट्स कौन से हैं, नॉन जीरो। तो जितने इसमें नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट है। उसने कहा सर पहले में 3 है, तो मैंने कहा भाई तीनों के तीनों क्या है फिर सिग्निफिकेंट, अगले में भी 3 है तो ये तीनों सिग्निफिकेंट, अगले में भी 3 है ये भी सिग्निफिकेंट है, उससे लास्ट वाले में 5 है ये भी सिग्निफिकेंट है, या इसके अंदर हम एक और वैल्यू ऐड कर देते हैं 1 कर देते हैं, तो ये 4 हो गए, तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। रूल नंबर बी वो जीरोस पे है, जीरो में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अरे भाई जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो जीरो के ऊपर 4 रूल हैं। इसी को देखते हुए जीरो के 4 रूल्स देख लो। पहला सैंडविच रूल बोलता हूं मैं तो इसको, ठीक है। सैंडविच रूल के अंदर मैं कहता हूं, शायद और भी लोग कहते हो, मैं कहता हूं इसको सैंडविच रूल। ये क्या है, जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मैं इसको ना SF लिखूंगा, ठीक है जी, ये पूरा वर्ड लिखना मुश्किल है तो मैं अब SF लिखूंगा। जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में लिखा गया जीरो अपनी अहमियत रखता है, खुद सोच लो यार कुछ। ये देखो 208 2006 और लिख लेते हैं 3005। तो इन ये आप देख रहे हो कि आपके पास जो एंडिंग नंबर्स हैं ये सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं,
या फिगर्स हैं, तो इनके दरम्यान में जो जीरो सैंडविच बनाकर बैठा हुआ है, वो सारे जीरो क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं। तो इसके अंदर फिर कितने डिजिट हुए, 5, 4, 3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है लीडिंग जीरोस। लीडिंग जीरो मीन लेफ्ट जीरोस, लेफ्ट साइड जीरोस कह लो। चलो ये कौन से हैं, ये वो वाले जीरोस जो स्टार्ट में आ रहे हैं, लीड कर रहे हैं, ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट होंगे नहीं। उसने कहा सर ये एग्जांपल हमें वो 1000 से याद आ रही है कुछ, तो वो ज़रा चेक करना कर लेते हैं। यानी कि ऑल लेफ्ट साइड जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। उसने कहा सर अच्छा ये आम मेजरमेंट की बात कर रहे हो, आम मेजरमेंट मीन वो पूछना चाह रहा है मेरे से 010 या 00006, तो ये इन मेजरमेंट्स की पूछना चाह रहा है। उसने कहा सर ये तो विदाउट डेसिमल है, डेसिमल मीन के हमारे पास ये वाले नंबर्स जो हैं इनके एंड में डॉट होता है, तो अगर डॉट ना भी हो तो हम कहते हैं कि भाई इन नंबर्स के स्टार्टिंग में जो जीरोज हैं, लीडिंग जीरोज हैं, उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। हमें पता है इसके आगे आप बेशुमार जीरो लगा दो ये 100 ही रहना है, इसके आगे बेशुमार जीरो लगा दो ये 6 ही रहना है। लेकिन उसने कहा सर अगर डेसिमल हो तो तब कोई जुगाड़ लग सकता है। मैंने कहा जैसे आप कह रहे हो सर 0.005, तो कहता है सर ये वाले जीरोज आपको कैसे लग रहे हैं। मैंने कहा यार ये अच्छे लग रहे हैं। ओ मैंने कहा अच्छे तो लग रहे हैं, सिग्निफिकेंट लग रहे हैं नहीं लग रहे। उसने कहा सर सिग्निफिकेंट नहीं लग रहे, क्योंकि लग रहा है लेकिन ये डेसिमल पंगा कर रहा है। मैंने कहा ये सिग्निफिकेंट नहीं है। उसने कहा सर अभी समझ नहीं आ रही। मैंने कहा चलो फिर इसको एक बार अपनी दिमाग की लेफ्ट साइड पे इसको एडजस्ट कर लो, इसको हम आगे एक रूल पढ़ेंगे वहाँ पर ये आपकी दिमाग में बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा कि ये क्यों नहीं है। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। एक तो सैंडविच खा लिया, सैंडविच वाला आ गया, दूसरा लीडिंग आ गया। अब कौन से होंगे ये, एंडिंग जीरोस। ठीक है, राइट साइड जीरो। राइट साइड जीरो है ना भाई, इसके ऊपर ना कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। इसके ऊपर क्या है, ये है जी मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। उसने कहा सर ये आपने ना हमें कन्फ्यूजन में डाल दिया कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। याद रखना कि हमारे पास डेसिमल के बाद में आने वाले जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होंगे उस कंडीशन में अगर आखिरी वाला जो नंबर है वो हमारे पास उसके ऊपर डेसिमल से पहले किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पे आने वाले जीरोस वो सिग्निफिकेंट होंगे, लेफ्ट पे आने वाले तो वैसे नहीं होंगे। राइट वाले डेसिमल के केस में वो वाले जीरो सिग्निफिकेंट होंगे जो डिपेंड करेंगे आपके इंस्ट्रूमेंट पे। अच्छा इंस्ट्रूमेंट पे, उसने कहा सर ये इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, यानी कि ये एक्सपेरिमेंटल आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको बंदा बताएगा कि उसने मेजरमेंट किससे किया, तुक्के शुके तो नहीं लगाए। सर समझ नहीं आ रही, एक बार लिखते हैं। लो जी, अब इसके लिए मैं कहता हूँ जैसे कि हम मेजरमेंट ले लेते हैं कोई भी, एक चीज़ जहन में रखना, आखिरी जीरो एंडिंग जीरो ये हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। जैसे कि हमें इधर वैल्यू लिखता हूँ जी 0.10000। अब मुझे पता है कि डेसिमल के बाद ये जीरोस वन है तो ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसकी लेफ्ट पे आ रहे राइट पे। उसने कहा सर राइट पे। अब बताएं सर ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद वाले जीरोस सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे। इसमें ये जो रूल है वो ये है कि अगर वो आखिरी जीरो, आखिरी जो डिजिट है वो जीरो हो तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो अब आ जाओ पहले रूल पे, ये जीरो वाले में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान वाले नंबर्स या दरमियान वाले फिगर्स वो सिग्निफिकेंट होंगे। उसने कहा होंगे, तो फिर टोटल कितने बन गए, 1, 2 और ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। उसने कहा सर 5 हो गए। मैंने कहा अच्छा अच्छा इसमें तो 5 बनते हैं, तो अगर इसी को मैं यूं लिख दूं 1000। उसने कहा सर ये विदाउट डेसिमल है, ये तो 100% बात है, ये 1000 लिखा हुआ है,
ये 10,000 है, ये 1,00,000 है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है, इनको उड़ाने से तो अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। लाख 10,000 में कन्वर्ट हो जाता है, एक और जीरो उड़ाओ तो 1,000 में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब है ये तो इंपॉर्टेंट है, डेसिमल में कन्फ्यूजन है। अच्छा उसने कहा सर ये वाली जो कहानी है ये समझ नहीं आई, जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ 0.10006। उसने कहा सर उसके जैसा ही लग रहा है, बस आपने जीरो को रिप्लेस कर दिया 6 से। उसने कहा सर ये सिग्निफिकेंट है। मैंने कहा है ये है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में पहला रूल आ जाएगा सैंडविच जीरो वाला, तो सैंडविच रूल के मुताबिक क्या ये तीनों जीरो होंगे? उसने कहा होंगे, तो फिर ये दो टोटल कितने होंगे? 5। लेकिन इधर क्या कन्फ्यूजन है कि अगर आखिरी नंबर आखिरी डिजिट भी आपका जीरो ही है तो भाई साहब फिर वो सिग्निफिकेंट होगा, तो वो सिग्निफिकेंट हो गया, उससे पहला वैसे सिग्निफिकेंट, उनके दरमियान आने वाले सारे सैंडविच हैं, तो इसका मतलब है वो भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। रही बात इसमें आपके लीस्ट काउंट वाली, वो जो अभी मैंने बताया कि लीस्ट काउंट वाला क्या चक्कर है वो मैं आपको समझाता हूँ। लो जी इसके अंदर जीरो का हम थर्ड रूल देख रहे थे, इस रूल के मुताबिक आ जीरो के करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो हैं, चलो वो भी कर लेते हैं साथ, वो छोटे से इजी हैं वो भी हो जाएंगे। अच्छा तीसरा रूल जो है उसके मुताबिक वो कह रहा था लीस्ट काउंट वाला सर चक्कर नहीं समझ आया कि जो राइट साइड पे जीरो है वो लीस्ट काउंट पे कैसे डिपेंड करेंगे। लीस्ट काउंट क्या होता है मैं लिखता हूँ साथ साथ ताकि याद रहे। लीस्ट काउंट सबसे कम मेजर की जाने वाली वैल्यू, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू कह लो आप इसे, किलो वाला बट्टा है उससे नीचे वो मेजर ही नहीं कर सकता, तो वो उसका लीस्ट काउंट क्या होगा उसमें इंस्ट्रूमेंट का 1 किलो। मैं एक चक्की पे गया, मैंने कहा यार 30 किलो आटा मिल जाएगा? उसने कहा सर 30 किलो मिल जाएगा लेकिन 30 किलो होगा ये नहीं पता। मैंने कहा क्यों? कहता सर वो असल में ना मसला ये हो गया कि वो जो मेरे पास मेजरिंग डिवाइस है जिससे मैंने मेजर करके देना ना आटा, वो कम से कम रीडिंग 40 किलो पकड़ती है, ठीक है 40 किलो मीन एक मन रीडिंग पकड़ती है, तो उससे नीचे की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मैं बता सकता। अच्छा अच्छा मैंने कहा आपके इंस्ट्रूमेंट का लिमिटिंग वैल्यू 40 kg है, मींस के 1 मन है, समझ आ रही बात थोड़ी सी? अब इसी लीस्ट काउंट की बात चलेगी आगे, अब इस लीस्ट काउंट को लेकर चलते हैं हम इधर। मैंने आपको कहा, मैंने कहा दोस्त ये मेरे पास ना बहुत बड़ा ऐसे पड़ा है अनाज पड़ा है, वो मतलब कि गंदम पड़ी है इतनी ज़्यादा ना इधर, मैं चाहता हूँ कि ये सारी गंदम को आप मैयर करो और मैयर करने के बाद इधर इस साइड पे आपने रखनी शुरू कर देनी है। अच्छा मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने कहा मैं आपको जो डिवाइस दूंगा या मेजरिंग डिवाइस दूंगा उसका कम से कम जो नंबर है ना आप 1 kg लिखोगे। कितना लिखोगे? 1 kg। अच्छा उसने कहा सर है कितनी? मैंने कहा यार पता नहीं है कितनी, लेकिन मुझे राउंड ऑफ से पता है, कोई बंदा 8,000 कह रहा था, बुक ने 8,000 की एग्जाम्पल ली तो मैं इसलिए 8,000 से चल रहा हूँ। उसमें बंदा कहा सर 8,000 कह रहा था। मैंने कहा अच्छा चलो 8,000 कर लेते हैं। अब वो बंदा क्या करेगा, सबसे पहले मेजर करेगा वैल्यू, वो आएगी 0001, अगली वैल्यू आएगी 0002, अगली वैल्यू आएगी 0003, ऐसे वो चलता जाएगा और पहुंचेगा 7999 एंड देन वो जाएगा किस पे, 1, 2, 3। उसने कहा सर ये मैंने मेजर किया और मैंने देखा 1 किलो का हिसाब रखा है, तो अगर मैं इसी वैल्यू को किस में एक्सप्रेस करूं आपकी साइंटिफिक नोटेशन में, तो आपको सर डॉट इधर होता है 1, 2, 3, तो आप लिखोगे 8.000×10³। ये जो आखिरी जीरो है ना ये इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये डिजिट इस पॉइंट पर आने वाला नंबर मैयर हो सकता है, ये डिवाइस है। लेकिन अगर मैं कहूँ यार तू थक जाएगा, मुझे बड़ा एहसास है तेरा, मैं इस 1 kg वाली डिवाइस को उठा कर तुझे दूंगा 10 kg की डिवाइस, जरा अब मेजरमेंट करी। इसको मैं ज़रा क्लोज करके लिखता हूँ ताकि हमें जगह मिल जाए और कंपेयर भी कर सके। तो अब वो पहली मेजरमेंट करेगा 0010। मैंने कहा यार 9 किलो का हिसाब किताब नहीं, उसने सर वो हिसाब था मैं ये नहीं हो सकता, मेजरिंग डिवाइस ना मेरे पास 10 kg की है। देन 0020 ये चलता जाएगा भाई साहब, और एंड में जो वैल्यू वो लिख रहा होगा इस जगह, वो वैल्यू क्या होगी कोई बता सकता? वो वैल्यू होगी 7999। आगे क्या होगा? उसने कहा सर 0 होगा, इसके बाद यकदम क्या हो जाना है 1, 2, 3।
अगर इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो आपको कहा सर इसको भी आप लिखोगे 8.003। उसने कहा सर गलती करो, मैं क्या, उसने कहा सर यहाँ जीरो आएगा, मैंने कहा नहीं आएगा, उसने कहा आएगा, मैंने कहा नहीं आएगा, उसने कहा क्यों नहीं आएगा, उधर तो आया, इधर इसलिए आएगा क्योंकि ये वाली वैल्यू 1, 2, 3 की फॉर्म में चल ही नहीं सकती, डिवाइस ही 10 kg की लिमिट ले रही है, इससे नीचे तो मैं ये नहीं कर सकते। उसने कहा अच्छा, मैंने कहा चल तेरी आसानी के लिए मैं डिवाइस आपको एक 100 kg की दे देता हूँ। उसने कहा सर क्या बात है, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 0200, देन ये चलती जाएगी वैल्यू, एंड वाली वैल्यू क्या होगी आपको सर, एंड वाली होगी 7900, देन ये एकदम क्या हो जाएगा 8000। अब क्या लिखूंगा, अब मैं इस मेजरमेंट को लिखूंगा 8.0×10³। उसने कहा क्यों, उसने कहा सर ये जो लिख रहे हो ना इसे आगे वाले जीरो क्यों नहीं आएगी, मैंने कहा डिवाइस 100 से नीचे 99 में ये नहीं कर सकती। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब है अगर सर आपको 1000 वाली डिवाइस दे दूँ तो उसने कहा सर मसला कोई नहीं है, काम जल्दी हो जाएगा। मैंने कहा कैसे, उसने कहा सर पहला रीडिंग आएगी 1000, दूसरी आएगी 2000, सेकेंड लास्ट आएगी 7000 और लास्ट आएगी 8000। लेकिन अगर इस मेजरमेंट को मैं लिखूँ साइंटिफिक, मैं इसे लिखूँगा 8×10³। उसने कहा सर ये क्यों लिखा है, इसमें कोई भी जीरो नहीं आ रहा। मैंने कहा उसकी वजह यह है कि ये डिवाइस उससे नीचे वाले नंबर पर जाएगी ही नहीं तो उसे मेजर नहीं करेगी, और अगर मेजर नहीं होगा तो वो वैल्यू सही नहीं होगी तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। इसका मतलब ये बना कि हम लीस्ट काउंट जो होगा वो डिसाइड करेगा कि राइट साइड के जीरो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है। अब इसका मतलब है कि जो इसके अंदर जीरोस लिखे हुए हैं वो सिग्निफिकेंट है और जो नहीं लिखे वो नहीं है। इसका मतलब है ये 1 kg वाली डिवाइस में ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट हैं, इसमें 2, इसमें 1, इसमें है ही नहीं सिग्निफिकेंट। तो ये आ गया आपके पास लीस्ट काउंट के लिहाज से जो उसका एक रूल बनता है राइट साइड के जीरोस वाला। एक लास्ट है वो है जी हमारे पास, मैं इधर ही लिख देता हूँ फिर हम उसके मेन रूल पे चलते हैं। वो कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन वैल्यू अदर देन 10 powers आर ऑल सिग्निफिकेंट। इसको मैं इसके साथ ही आपको कंबाइन करके बताता हूँ। वो कहता है सर जो भी आप साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू लिखोगे उसमें 10 power के अलावा जो उसका पहले वाला हिस्सा होता है सारा, वो सारे उसमें जितनी भी चीज़ें लिखी होंगी सिग्निफिकेंट होगी लाइक है। और इसी से मैं आपको पॉइंट नंबर 2 राइट साइड जीरो और लेफ्ट साइड जीरो उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसने कहा सर देखो आपने वैल्यू वहाँ लिखी थी 0.002, तो अगर मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँ, मैं जो पता है भाई 1, 2 और ये 3, तो मैं लिखूँगा 2×10³ क्या आ जाएगा 3 क्या है, तो क्या इसमें कोई जीरो आ रहा है। उसने कहा नहीं सर। उसने कहा इधर आ रहा है, मैंने कहा हाँ यहाँ आ रहा है लेकिन हमने पढ़ा ये अहम नहीं है। उसने कहा सर यहाँ आ रहा है, मैंने कहा आ रहा है लेकिन ये इसके साथ कोई जीरो आ रहा है नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर भी 1 है क्योंकि ये 0 नहीं है, और यहाँ पर तो वैसे हमें पता है कि सिर्फ हमने वो वाली देखनी है जो 10 power के अलावा लिखी है वो ये है, तो इसमें नहीं है। एक और कर लेते हैं एग्जाम्पल छोटी सी, जैसे मैं इधर कर लेता हूँ 0.0078, ठीक है, तो इसको मैं लिखूँगा ऐसे करके 1, 2, 3, तो 7.8×10⁻³। तो अब समझ आया कि वो लेफ्ट साइड वाले जीरोज इंपॉर्टेंट क्यों नहीं थे। तो अब दिमाग में जो लेफ्ट साइड पे हमने एडजस्टमेंट फिट करनी थी वो एडजस्टमेंट फिट होगी ना, जस्ट हो गया काम। अब आ जाओ आगे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल नंबर बी पे, ठीक है जी, बी बनेगा या सी बनेगा, आई थिंक एक वो हमारा आ गया ऑल जीरोज ऑल डिजिट्स वाला, एक आ जाएगा हमारे पास ये जीरोज वाला, अच्छा तीसरा कह लेते हैं हम इसे, लेट्स सपोज सी कह लेते हैं। ये तीसरा रूल जो है इस रूल को समझो, ये रूल है डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसके लिए ना डिवीजन रूल और मल्टीप्लीकेशन में कि अगर आपके पास डिफरेंट क्वांटिटीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो, सेम क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं बट डिफरेंट क्वांटिटीज मल्टीप्लाई और डिवीजन ले सकती हैं। इसको देख लो, इसके अंदर हम कोई भी डिफरेंट क्वांटिटी जैसे लेंथ मैश टाइम की कोई ना कोई वैल्यू है उन्हें लिख लेते हैं,
सर जी एक वैल्यू है मेरे पास 1.64, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 7.9638 के साथ, और इसी वैल्यू को डिवाइड करना है हमने 3.1 के साथ। ठीक है, तो अब इसका आंसर हमने किस तरह का लिखना है, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसकी कैलकुलेशन बड़े अच्छे बंदे ने की है। इसके अंदर 5 है जी, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 2 है, तो आंसर हमने कहाँ तक रखना है? तो इस रूल के मुताबिक आंसर आपने वो रखना है जो सबसे कम, सबसे बुरी मेजरमेंट है, जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है। तो सर बुरी समझ नहीं आएगा, मैंने कहा यार जिसके अंदर आप आसानी के लिए ये समझ लो कि जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है, उस वैल्यू की एक्यूरे वो क्या कहते हैं रेंज जो है या मेयरिंग डिवाइस वो काफ़ी हद तक ज़्यादा लिमिटिंग थी, तो उसके आंसर को आपने यूज़ करना है, क्योंकि वही वैल्यू की वजह से आपके एरर आने के चांसेस बनने हैं। 3.2 है तो कितने हैं 2, तो इसका मतलब है जिसका आंसर आएगा वो आपने 2 डिजिट्स तक रखना है। ठीक है, इससे अच्छा मैं आपको आपकी बुक की एग्जाम्पल समझा देता हूँ, एक सेकेंड मैं नोट्स उठा लूँ। ये लें जी, ये मैंने लिखी हैं कुछ वैल्यूज, इनको मैं इधर बोर्ड पर लिख देता हूँ। एज सच ये एक वैल्यू है जी मेरे पास 5.348 × 10⁻², मल्टीप्लाई 3.64 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 1.336 एंड द आंसर इज 1.457689 × 10³। ठीक है जी, तो अब इसको ज़रा आप देखें, तो इसके अंदर है जी 4, इसके अंदर है जी 3, इसके अंदर है जी 4। तो अब हमने आंसर कहाँ तक रखना है? आपने आंसर वहाँ तक रखना है जो सबसे कम है, और सबसे कम कितने हैं 3, तो इसका मतलब है इसका आंसर 3 तक जाएगा। तो यही आपका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है। तो इसका आंसर 3 तक जाने के लिए मैं लिखूँगा 10⁻² को तो मैं छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि ना उसने इधर पार्टिसिपेट किया ना इधर करेगी, इसका लिखूँ मैं जी 1.45। अच्छा, उसने कहा सर मतलब कि लीस्ट जो वैल्यू है ना जिसमें सबसे कम है वही आंसर वाली वैल्यू को भी हमने वहाँ तक रखना है, और ये जो बाकी चीज़ मैंने इसकी उड़ा दी है यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं राउंड ऑफ। इसको हमने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया। तो अभी हम बात कर रहे थे राउंड ऑफ करने की। ठीक है, अब हमारे पास एक जो लास्ट है डी रूल, वो है जी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन वाला। ठीक है जी, इसके अंदर ना मैं बुक की वैल्यू इसको यूज़ करूँगा, वो बुक की वैल्यू है जी हमारे पास एक वैल्यू है जी 72.1, इसके अंदर है जी 3.42 और 0.003 एंड द आंसर इज 75523, और एक और बुक कैलकुलेशन करती है 2.7543, एक और करती है 4.10 और है जी 1.273 एंड द आंसर इज 8.1273। ठीक है जी, और इनके आंसर्स बुक कहती है जी इसका आंसर है जी 7.58 और इसका है जी 8.12। इसके अंदर क्या रूल है, इसके अंदर ये रूल है भाई साहब कि इसके अंदर आपने लीस्ट को नहीं देखना, क्योंकि हमें पता है यार इसके अंदर जो है, इसके अंदर है जी 3, इसके अंदर है जी 3, इसके अंदर है जी 1, क्योंकि ये नॉन सिग्निफिकेंट है, डिपेंड अपॉन मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसके अंदर है जी 5, इसके अंदर है जी 3 और इसके अंदर है जी 4, लेकिन इसको हमने किसके लिहाज से नहीं देखना, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिहाज से नहीं देखना, इसको हमने देखना है डेसिमल के लिहाज से। इसमें देखना है कि डेसिमल के बाद जितने कम से कम नंबर होंगे हमने उतने डेसिमल के बाद नंबर्स को लिखना है। इधर कितने हैं जी डेसिमल के बाद 1, तो इसका मतलब है डेसिमल के बाद आंसर 1 तक जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो डेसिमल के बाद आंसर बन कितने रहे हैं 3, लेके कहाँ तक जाना है 1 तक, तो इसलिए ये आएगा। और इधर कितने हैं डेसिमल के बाद सबसे कम कितने हैं 2, ये सेकंड वैल्यू में, तो इधर 8.12। तो डेसिमल के बाद लीस्ट जिसमें होंगे हमने उसके अंदर उस वैल्यू को लिखना है। ठीक है जी, और हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है राउंडिंग ऑफ, कि ये जो मैंने इधर डाटा ये से उड़ा दिया, ये जो बाकी ये जो उड़ाया या ये उड़ाया या इससे पहले जो मैंने लिखी थी कैलकुलेशन वो लिखी थी 1. इधर ही लिखता हूँ मल्टीप्लिकेशन वाली, या जो प्रीवियस अभी हमने लिखी हुई थी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाली, वो वैल्यू थी 1.457689 × 10³। तो इसको राउंड ऑफ करके हमने आंसर इसका बनाया था जी 1.45
10^3, क्योंकि इसमें लीस्ट डिजिट जो थे वो 3 थे, ठीक है, वो रूल के मुताबिक। लेकिन ये हम ये जो डाटा इतना, ये जो एक्स्ट्रा नंबर उड़ाते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं, कोई इज्जत नहीं है। इज्जत इनको इज्जत दी जाती है वो कैसे, इस राउंडिंग ऑफ के रूल्स के। राउंडिंग ऑफ के हमारे पास हैं जी इधर 3 रूल्स हैं मेन। सबसे पहला, इफ नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट डिजिट का मतलब है कि आपकी जो 3 नंबर या जितने आपने जितने लिखने हैं उससे अगला ही वाला नंबर, वो इफ नेक्स्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, देन एड 1। तो आपने क्या करना है उस वैल्यू के, उससे पिछले डिजिट में आपने क्या कर देना है, एक वैल्यू 1 को ऐड कर देना है। जैसे कि ये 5 है, यहाँ तक तुमने लिखना है, इसे अगला डिजिट क्या है, नेक्स्ट डिजिट वो क्या है, 7। क्या वो 5 से बड़ा है? जी भाईजान 5 से बड़ा है। तो 5 से बड़ा, तो जो 5 है जिससे प्रीवियस डिजिट होगा उसमें हम एक ऐड कर देंगे, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1.46 × 10³। और अगर हम इधर देखें तो ये 5 है, इससे अगला क्या है, 2, 5 से छोटा, तो ये वैल्यू यही रहेगी। क्या ये वाली वैल्यू 2 तक लिखना है ना हमने इसे डिजिट के बाद, तो ये 2, तो ये अगली क्या है 7, क्या ये 5 से बड़ा है? तो अगर ये बड़ा है तो फिर ये वैल्यू ये नहीं है, ये गलत है, बल्कि ये वैल्यू ये है असल में, ठीक है। दूसरा राउंडिंग ऑफ का, इफ नेक्स्ट डिजिट इज लेस देन 5, देन एड 0। मैंने बनाया कि भाई 0 ऐड कर दो, यानी कि वो कहता है 9 चेंज, लेकिन मैं कहता हूँ भाई 0 ऐड कर दो। लेट्स सपोज कि अगर ये वैल्यू कितनी होती, इसकी जगह मैं लिखता हूँ 4, तो अगर इसकी जगह 4 लिखते तो इस रूल के मुताबिक इसका आंसर बना था 1.45 × 10³। यानी कि आपने उसमें कोई चेंज नहीं करना, ये 0 ऐड करना है, 5 में 0 ऐड करो तो क्या आ जाएगा 5। तो जैसे कि ये वैल्यू थी, ये 2 थी, ये 5 से छोटी थी, तो अगर ये छोटी थी तो इसमें ये वैल्यू वापस यही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो हमने इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिहाज से इसको नहीं करना, अब ये राउंडिंग ऑफ के रूल्स चल रहे हैं। तीसरा, उसने कहा सर जी अगर नेक्स्ट डिजिट जो है भाई साहब आपका इज इक्वल टू 5, देन फिर क्या रोला होगा? तो हमारे पास है जी 2 रूल इसके, वो 2 रूल इसके क्या हैं, देन चेक द प्रीवियस डिजिट, इफ इट इज इवन देन नो चेंज, या एड 0। अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं करना भाई साहब, ये 5 है, अगर हम कहते कि इसकी जगह होता इधर 4 और ये 5 है, तो हम ये 4 है, ये इवन है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं आना, तो ये वैल्यू लिखी जाती 1.4 × 10³। बट इफ ऑड देन एड 1, तो फिर 1 ऐड कर देना था, यानी कि अगर ये होती 4, इसके कोई भी ऑड बोल लो, ऑड कोई भी है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, या हम इधर लेट्स सपोज हम इधर बोल लेते हैं जी 7 है, तो ये ऑड है, तो इसकी जगह क्या हो जाना था, ये वैल्यू पलटी मार के बन जानी थी 1.48 × 10³। ठीक है जी, ये थे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर लेक्चर समझ आया तो फिर तो मज़े ही मज़े, नहीं समझ आया फिर भी मज़े मज़े, ठीक है जी। और कोई अगर कोई और कन्फ्यूजन या डाउट है तो कमेंट में।